मैंने आपको लास्ट वीडियो में फिरोज खान के अपकमिंग ड्रामे उम्मीद के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो आपको प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन अभी रात को एक न्यू अपडेट आई है और इसकी कास्ट में एक मेजर चेंज हुई है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पता है कि फिरोज खान के एक अपकमिंग ड्रामा आ रहा है उम्मीद, जिसके स्टार कास्ट में आपको फिरोज खान, उष्णा शाह देखने को मिलेंगे लीड में, लेकिन अब इसकी लीड में एक और हीरोइन का इजाफा हो गया और वो होने वाली है आयशा उमर। इनका जो ट्रायो है ये हमें पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा, मतलब इससे पहले ना फिरोज खान ने आयशा उमर के साथ काम किया है, ना उष्णा शाह के साथ, ना ये दोनों एक्ट्रेस ने फिरोज खान के साथ पहले काम किया है। तो ये एक बिल्कुल न्यू ऑन स्क्रीन ट्रायो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके स्टार कास्ट में होने वाले हैं सबा फैसल, इरशा गजल, हीना रिजवी, दानिया अनवर और इमरान असलम। इस ड्रामे को लिखा है अफीफा मोहम्मद ने और इसे डायरेक्ट करने वाले हैं मुसद्दिक मलिक और इसे को डायरेक्ट करने वाले हैं नदीम बेग। तो ये हमें पहली दफ़ा ये तीनों ऑन स्क्रीन नजर आएंगे। स्टोरी भी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, डॉक्टर्स की लाइफ पर बेस होने वाली है और जो लास्ट टाइम मैंने ब्लंडर किया था एक BTS को लेकर के, ये मतलब इसमें उष्णा शाह आपको नजर आ रही है तो वो किसी और ड्रामे की जो बला ड्रामा है उसका BTS था और मैंने समझा इसका, तो वो मिस्टेक हुई थी। बाकी अब इसमें आयशा उमर का होना कन्फर्म हो चुका है और ये ड्रामा मेरे मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली आपको सिनफे अहन ड्रामे को रिप्लेस करता नजर आएगा जो कि तकरीबन रमज़ान के बाद तक ख़त्म हो जाए। उसकी कोई 25 से 26 या मैक्सिमम 27-28 एपिसोड्स होंगी और उसके सीजन 2 के बारे में भी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा सिनफियान सीजन 2 के बारे में। तो आप बताएं कि आप आयशा उमर की एंट्री से कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, अब आपको एंसेंबल कास्ट कैसी लग रही है, आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे, फिरोज खान और उनके डिफरेंट अवतार के लिए या फिर उष्णा शाह के लिए, आयशा उमर के लिए, इन तीनों के ट्रायो के लिए या फिर डिफरेंट स्टोरी की वजह से, मुझे आप लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।